बीपीएससी का पीटी निकालना जब तक सीसेट वगैरह नहीं लागू होता है बहुत आसान है। जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि आप खुद गलती करें खुद सीखें। कोई इंसान उस काम को कर चुका है तो उसका एक्सपीरियंस जरूर सीखिए। कम से कम आपको एक महीना का रिवीजन चाहिए, प्रैक्टिस सेट का चाहिए, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट हो, क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में आपका जैसे ही शरीर थक गया, माइंड थक गया, तो आप नहीं अच्छा कर पाएंगे। नमस्कार मित्रों, एमएस क्रिएशन पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों से कुछ दिल की बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। फेस टू फेस कुछ बातें करनी है, कुछ अपने बारे में आपको बतलाना है। आपको पता है कि 67वीं बीपीएससी पीटी का डेट लगभग एक पैरेलल आ चुका है कि ये एग्जामिनेशन आपको आइदर अगस्त लास्ट वीक में होने वाला है या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में होगा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे आज शेयर करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैंने 64वीं का पीटी निकाला था, 66वीं का निकाला था, 65वीं में एक नंबर से छूट गया था, और उसका रीज़न ये था कि एग्जामिनेशन के दिन में बहुत ही मेंटली प्रेशर में था, फिर भी एक नंबर से मैं छूट गया था वहाँ पे। और अभी जो हाल ही में 67 का जो पेपर हुआ था जो कैंसिल हो गया था, उसमें भी 112 प्लस नंबर मेरे को थे। तो मुझे लगता है कि मेरे पास इतनी जानकारी तो है, कम से कम मैं पीटी के बारे में आप लोगों को बता सकूं, अपने अनुभव शेयर कर सकूं, ताकि जो नए हैं बच्चे हैं या फिर जो पुराने बच्चे भी हैं जिनको कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है इस पीटी एग्जामिनेशन को क्लियर करने में, थोड़ा सा उनके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं जो 66वीं का था और उससे पहले 64वीं का था, उसमें मैंने कौन कौन से बुक लिस्ट को पढ़ा था। मैं बेसिकली अभी सारा बात पीटी का ही करूँगा, क्योंकि पीटी ही एग्जामिनेशन अभी होने वाला है, फिर मेंस की जब होगी बात तो मेंस भी करूँगा, क्योंकि मैंने दो बार मेंस भी लिखा है, लेकिन उसकी बात अलग वीडियो में होगी। तो और अभी हाल ही में आपको पता है कि 28 जुलाई को बीपीएससी द्वारा ही प्रधान शिक्षक यानी कि हेड टीचर का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन है। तो बीपीएससी के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सबसे बड़ी बात है कि आपको पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है। मैं जब से एग्जामिनेशन दे रहा हूँ बीपीएससी का, ई ऑप्शन इंट्रोड्यूस्ड है। जो नए बच्चे होते हैं उनके लिए ई में जाकर के फंसना बहुत ही एक कॉमन सी बात होती है, और इसीलिए वो एक नंबर से दो नंबर से मेरिट बनते बनते छूट जाता है। 64वीं में मैंने तीन बुक को पढ़ा था। बेसिकली पहला था आपका जो लूसेंट जीएस आता है, बड़ा वाला लूसेंट जीएस, ठीक है ना, उसको मैंने पढ़ा था जीएस पोर्शन के लिए। और बिहार के लिए बिहार लूसेंट आता है, उसको मैंने पूरा, बिहार लूसेंट को मैं थ्रू आउट मतलब पूरा पढ़ चुका हूँ, ठीक है ना, तो उसमें मुझे दिक्कत नहीं होती है। करंट के लिए जो भी उस समय मार्केट में अवेलेबल बुक होते हैं वो होते हैं, मैं वो पढ़ता हूँ। ये तीन बुक पढ़ने के बाद मेरा जो कोशिश होता है मुख्य रूप से वो ये कि मैं फिर टॉपिक वाइज या कुछ सब्जेक्ट वाइज मैं अपने जो भी पोर्शन है उसको मजबूत कर लूँ। तो इसमें सबसे पहला मैं क्या करता हूँ कि हिस्ट्री, हिस्ट्री में आपको ऑल थ्री हिस्ट्री, और उसमें जो फोकस होता है वो मॉडर्न हिस्ट्री, इसको मैं कवर करता हूँ। और उसके बाद फिर साइंस, साइंस में आपको आराम से 25 से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना, वो 20 से 30 तक फ्लक्चुएट करते रहता है साइंस। और उसके बाद बिहार, बिहार में जो एस्थेटिक्स बिहार होता है मैंने उसको बता दिया, छोटी सी बुक है आपको ये वाली बुक जो है, ये वाली जो बुक है बिहार लूसेंट है, ठीक है ना, बिहार लूसेंट है, इसको तो मैं पढ़ता ही हूँ। इसका मैं कवर अप आपको दिखला देता हूँ, एक मिनट, ये जो बिहार लूसेंट है इसको तो मैं पढ़ता ही हूँ, ठीक है ना, और इसको मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। लेकिन अब चूंकि कंपटीशन इतना टफ हो गया है तो ये सफिशियंट नहीं होता है, तो खासकर आर्थिक परिदृश्य के डाटा को मैं अपलेटेड करता हूँ करेंट से, ठीक है ना। कुछ पॉपुलर इवेंट जैसे कि 64 में पूछा गया था कि वो दरभंगा में कम खर्च में वाटर सप्लाई करने वाला, तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आपको करंट को देखना होता है, बिहार के करंट को। ये मैं जब कर लेता हूँ उसके बाद मेरा फोकस होता है करंट अफेयर्स का, मतलब नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो नॉर्मली एसपीडी का हो या फिर इटिटोरिया का हो या फिर आपको मतलब कि ईद नवत्र करके आता है, ठीक है ना, बुक उसका, तो इन सब चीज़ों से मैं करता हूँ, यूट्यूब का भी सहारा लेता हूँ। मुख्य रूप से मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ, यदि किसी को हिस्ट्री पर, साइंस पर, बिहार पर और करंट पर कवर है, आंख मून के उसका रिजल्ट निकल रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये मेरा कई बार ट्रस्टेड है, मैं इसी को मतलब फॉलो करके तीन बार चार बार मतलब दो बार तो निकाल ही चुका हूँ, तीसरा बार भी निकल ही जाता और चौथा बार में एक नंबर से छूटा था। और उम्मीद है कि ऑब्वियसली आगे जो 67 का एग्जामिनेशन है उसमें भी तैयारी के लेवल को और मैं बढ़ाऊँगा, जो 112 आ रहा था, हालांकि वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, उसको और ऊपर ले जाऊँ। लेकिन हाँ, चूँकि पीटी में आपके नंबर जुड़ते नहीं हैं मेंस में, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आप कट ऑफ से एक नंबर ज़्यादा लाएं या कट ऑफ से आप 15 नंबर ज़्यादा लाएं, ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण होता है कि आप पास कर जाएं पीटी, ताकि आप मेंस के लिए अगले दौर में आप चले जाएं। तो ये होता है। 66वीं की मैं थोड़ा सा बात कर दूं, जब 66वीं का वक्त आया था तो उस वक्त मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला था बहुत ज़्यादा, रिविज़न या पढ़ने का जो भी बोल सकते हैं, हालांकि मेरा पहले का पढ़ा हुआ था
तो मैंने विद इन 3 या 4 दिन ही उसके लिए मैं पढ़ाई कर पाया था। 2-3 दिन में मैंने करंट का बुक देखा था, उस समय ट्यूटोरिया का था। हालांकि अभी ट्यूटोरिया के बुक्स इतने अच्छे लड़ नहीं रहे, लेकिन 66वीं में लड़ा था क्वेश्चन, ठीक है। 67वीं में तो बिल्कुल नहीं लड़ा था। तो ट्यूटोरिया का उसमें बुक पढ़ा था मैंने करंट के लिए। फिर बिहार के लिए जो ये छोटा वाला बुक मैंने आपको बताया, मतलब लूसेंट का, उसको मैंने पढ़ लिया था। और अंत रात में, चूंकि मेरा लूसेंट कई बार पढ़ा हुआ था, तो मैंने कोशिश की थी कि रात भर उसको रिवाइज कर लूँ। और एक काम मैंने और उसके साथ किया था कि 60 से 62 से लेकर के 64 तक और 65 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने उस रात देखा था। उससे क्या हुआ, मुझे 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट टकराया था, और वो सब थोड़ा सा एडवांटेज था मेरे लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने 66वीं का निकाला था। और 67वां का तो आपको 112 मैंने बताया मेरा आ रहा था, लेकिन वो तो एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा बात करना ही नहीं है। तो ये एक आज आपके लिए मैं मोटे तौर पर एक रफ़ एस्टिमेट आपको मैं बताने के लिए उपस्थित हुआ था। आगे केवल आने वाले दिनों में मैं, मतलब बिल्कुल चैनलाइज्ड वे में, टॉपिक वाइज बुक कैसे पढ़ना, अब लूसेंट भी बहुत सारे कैसे पढ़ना है, या फिर बिहार लूसेंट कैसे पढ़ना है, या फिर करंट कैसे पढ़ना है, तो उन चीज़ों का भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा आगे आने वाले दिनों में। फिलहाल ये तो इंट्रो था, और ये इंट्रो इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ कि देखिए, ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि आप खुद गलती करें खुद सीखें। कुछ ऐसे होते हैं जो तुरंत सीख जाते हैं अपने गलतियों से, लेकिन आपको यदि कोई इंसान उस काम को कर चुका है तो उसके एक्सपीरियंस ज़रूर सीखिए। उन्होंने जहाँ जहाँ गलती किया, उन गलतियों को आप ना करें। मैं भी बताऊँगा, मैं 67 के लिए मात्र 1 सप्ताह का पढ़ाई किया था, और मुझे लगता था कि मैं निकल जाऊँगा। हालांकि 112 भी ठीक ठाक नंबर है, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है जो कंपटीशन का लेवल बढ़ा है उसमें ये मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। कम से कम आपको 1 महीना का रिविज़न चाहिए, प्रैक्टिस सेट का चाहिए, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट हो। और 67 में मैंने इसको महसूस किया था, एक तो थक गया था, उस रात में पढ़ना नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि मेरा पढ़ा नहीं था तो 3 बजे रात तक मैं पढ़ता ही रहा। फिर 70 किलोमीटर जाकर गाड़ी चलाया, तो अंत में 15 मिनट में बिल्कुल थक गया था। और उस थकने की वजह से मुझे लगता है कि 10 नंबर या 5 नंबर और कम आए, क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में आपका जैसे ही शरीर थक गया, माइंड थक गया, तो आप नहीं अच्छा कर पाएंगे। तो कुछ ऐसी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप ना कम से कम दोहराए आगे आने वाले एग्जामिनेशन में, ताकि आपका सफलता का जो राह है वो आसान हो जाए। तो उन सारी चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अभी मिला मेरा जो है 28 जुलाई को प्रधान शिक्षक का भी एग्जामिनेशन है, तो उसको लेकर थोड़ा सा हो सके तो कम वीडियो आएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आगे क्या क्या करना है पीटी, ताकि आपका पीटी का जो सफर हो, थोड़ा सा मैं आपको गाइड लर्न करूंगा, थोड़ा सा आप भी सीखे होंगे और मेहनत कर लेंगे तो आसान से आपका निकल जाएगा। क्योंकि मेरा अभी भी मानना है कि बीपीएससी का पीटी निकालना, जब तक सीसेट वगैरह नहीं लागू होता है, बहुत आसान है। जी हाँ, ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत आसान है। थोड़ा सा आप सीरियस हो जाए तो बीपीएससी का पीटी निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे आने वाले दिन में मैं आपको निश्चित रूप से सब कुछ बताऊंगा। तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। आगामी कुछ दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडनेस को, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।